कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की किताब है इतिहास भारत एवं विश्व। इसी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 8 और अध्याय का नाम है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। तो इसी अध्याय 8 की आज हम पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों करेंगे और पाठ्यपुस्तक में पहला प्रश्न दिया हुआ है 1857 से पहले भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए थे। 1857 की क्रांति से पहले पूछे गए हैं 1857 से पहले भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो इसमें हम कह सकते हैं उत्तर में कि 1857 से पहले भारत में निम्नलिखित आंदोलन हो चुके थे। उसमें पहला है सन्यासी आंदोलन। यह आंदोलन 1770 में बंगाल में गिरी संप्रदाय के नेतृत्व में हुआ था। गिरी संप्रदाय के नेतृत्व में हुआ था। सिर्फ आंदोलन पूछे गए कौन कौन से हुए थे। दूसरा है पॉलीगरों का आंदोलन। यह आंदोलन 1801 में तमिलनाडु में हुआ था। इसका नेतृत्व कट्टा वामन नाम के नेता ने किया था। कट्टा वामन नाम के नेता ने किया था। 1801 में आंदोलन तमिलनाडु में हुआ था। तीसरा आंदोलन है जो 1857 से पहले हुआ था वो है भील आंदोलन। यह आंदोलन 1820 से 1825 ईस्वी के बीच राजस्थान में हुआ था। इसका नेतृत्व दशरथ नाम के नेता ने किया था। चौथा जो आंदोलन है वो है खासी आंदोलन। यह आंदोलन 1828 से 1833 के बीच असम में हुआ था। इसका नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था। और पांचवा है कोल आंदोलन। यह आंदोलन 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में झारखंड में चलाया गया था। और छठा है जो हमने देखना है वो है पागलपंथी आंदोलन। यह आंदोलन 1840 से 1850 के बीच तमिलनाडु में हुआ था और इसका नेतृत्व करमशाह और टीपू ने किया था। तो ये 6 आंदोलन हम 1857 से पहले के दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई थी। 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई थी। तो 1857 की क्रांति के कई कारण थे। उसमें हम पहला कह सकते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में पहला है कि लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि और डेलहौजी की लैप्स की नीति के कारण भारत के कई राजाओं के राज्य हड़प लिए गए थे। इसके कारण भारत के राजाओं में अंग्रेजों के खिलाफ काफी गुस्सा था। दूसरा है कि लॉर्ड डेलहौजी ने नाना साहब को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए वे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। धार्मिक कारणों की अगर हम बात करें तो धार्मिक कारणों में पहला है कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के लोगों को लालच देकर ईसाई बनाना शुरू कर दिया था। इससे भारत के लोग अंग्रेजों के विरोधी बन गए। दूसरा है कि ईसाई पादरी सरेआम भारतीय या भारतीयों के धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाते थे। इससे भी भारत के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ। सामाजिक कारण जो रही 1857 क्रांति के, उसमें पहला है कि अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं को घटिया बताकर उनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। इससे भी भारत के लोग अंग्रेजों के विरोधी बन गए। दूसरा है सामाजिक कारणों में, अंग्रेजी पढ़ लिख लेने के बाद भी भारत के लोगों को छोटी मोटी नौकरियां ही दी जाती थी। कि अंग्रेजी की पढ़ाई करने के बाद भी भारत के लोगों को छोटी मोटी नौकरियां ही दी जाती थी। इस भेदभाव के कारण भी भारतीयों में काफी गुस्सा था। तीसरा सामाजिक कारण है कि भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा आदि। इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने अनेक कानून बनाए, लेकिन हिंदुओं ने इन सभी कानूनों को अपने धर्म के खिलाफ समझा। हालांकि उनकी भलाई के लिए थे, लेकिन उस समय हिंदुओं ने इन सभी कानूनों को अपने धर्म के खिलाफ समझा। इससे भी
हिंदुओं में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा पैदा हुआ। सैनिक कारण भी हैं 1857 की क्रांति के, उसमें पहला है अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। दूसरा, भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सिपाहियों से कम वेतन दिया जाता था। और तीसरा है कि परेड के समय भारतीय सैनिकों को भद्दे नामों से पुकारा जाता था, इसलिए सैनिक कांड भी जिम्मेदार हैं। तत्कालीन कारण की अगर हम बात करें कि क्यों एकदम से 1857 की क्रांति भड़की, तो तत्कालीन कारणों में आता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इन कारतूसों में गाय या सुअर की चर्बी लगी होती थी। इनका प्रयोग करने से पहले इस चर्बी को मुंह से काटना पड़ता था। बैरकपुर छावनी में किसानों ने इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया, तो इसलिए 1857 की क्रांति भड़क गई। प्रश्न नंबर 3 जो है वो है कि क्रांतिकारियों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, कहां कहां क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, क्रांतिकारियों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो उसमें पहला है जो मुख्य केंद्र था वो है महाराष्ट्र। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। 1857 ईस्वी में पूना में प्लेग की बीमारी फैल गई। प्लेग जो है वो चूहों से होने वाली बीमारी है। तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, सबसे पहले महाराष्ट्र से ही क्रांतिकारी आंदोलन फैला। 1857 ईस्वी में पूना में प्लेग की बीमारी फैल गई। प्लेग से निपटने के लिए रैंड नाम के अंग्रेज को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया, लेकिन इस अंग्रेज अधिकारी ने पूना में लोगों के घरों और मंदिरों में बिना अनुमति से घुसना शुरू कर दिया। इससे आम जनता में गुस्सा पैदा हुआ। इसी गुस्से के कारण दो भाइयों दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, दो भाई थे जिनको चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने गोली मारकर रैंड की हत्या कर दी। बाद में इन दोनों को पकड़कर मृत्युदंड दे दिया गया। महाराष्ट्र के अन्य क्रांतिकारी, अगर अन्य चापेकर बंधुओं को माना जाता है क्रांतिकारी, तो महाराष्ट्र के अन्य क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर बंधु। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री या वकालत जिसको हम कहते हैं, विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की शिक्षा ग्रहण की थी। 1905 ईस्वी में उन्होंने इंडिया हाउस नाम से एक संस्था की स्थापना की। आगे चलकर इस संस्था इंडिया हाउस ने, इस संस्था ने कई क्रांतिकारियों को जन्म दिया। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना की। जल्दी ही पूरे महाराष्ट्र में गुप्त समितियों का जाल बिछ गया। विनायक दामोदर सावरकर की तरह उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर भी बड़े देशभक्त थे। बंगाल जो है वो भी क्रांतिकारियों का एक मुख्य केंद्र रहा है। तो बंगाल जो है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के जन्मदाता अरविंद घोष और बारिंदर घोष थे। अरविंद घोष और बारिंदर घोष थे। घोष बंधुओं ने क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने के लिए अनुशीलन समिति नामक संगठन की स्थापना की तथा युगांतर जैसी पत्रिकाएं निकाली। बंगाल के अन्य क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भूपेंद्र नाथ दत्त प्रमुख थे। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उनकी बग्गी पर बम फेंका। इस जज ने अनेक क्रांतिकारियों को सजाएं सुनाई थी, लेकिन इस बम धमाके में दो अंग्रेज महिलाएं मारी गई। इस घटना से दुखी होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। बाद में खुदीराम बोस को भी मृत्युदंड या फांसी की सजा दी गई। प्रश्न नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी। आजाद हिंद फौज की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी। तो वैसे तो आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। लाइन है इंपॉर्टेंट कि वैसे तो आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन जापान के अनेक अधिकारियों से मतभेद होने के कारण यह टूटने लगी थी।
2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में एक सभा करके सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सेनापति बनाकर फौज की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। यहीं से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा जाने लगा। उन्होंने सभा में बोलते हुए कहा था, सुनो भारतवर्ष तुम्हें पुकार रहा है, हथियार उठाओ और चलो दिल्ली। चलो दिल्ली का नारा उन्होंने दिया था। दिल्ली का रास्ता आजादी का रास्ता है। इसके बाद से उन्होंने सैनिक वेशभूषा यानी कि सैनिक वाली जो वेशभूषा थी वो धारण कर ली थी। आजाद हिंद फौज को 5 भागों में बांटा गया। पहला गांधी ब्रिगेड, दूसरी नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और एक महिलाओं के लिए बनाई गई थी झांसी की रानी रेजिमेंट। फौज के लिए नेताजी 3 लाख सैनिकों को भर्ती करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए धन की जरूरत थी। धन जुटाने में कई लोगों ने नेताजी की सहायता की, जैसे रंगून में एक उद्योगपति हबीबुर रहमान, नाम याद रखना है, रंगून में एक उद्योगपति हबीबुर रहमान ने 1 करोड़ रुपए की सहायता दी। एक गुजराती महिला श्रीमती बताई देवी ने 3 करोड़ रुपए की संपत्ति नेताजी के कदमों में रख दी थी। पैसा इकट्ठा करने के लिए रंगून में आजाद हिंद बैंक की स्थापना की गई। इसके अलावा अनेक प्रवासी भारतीयों ने भी अपने गहने बेचकर नेताजी को धन दिया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में अंतरिम सरकार की घोषणा हुई। 23-24 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मई 1944 ईस्वी को आजाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश किया। भारत में प्रवेश करने पर फौज ने कोहिमा और उसके चारों ओर झंडा फहराया। इसके बाद इंफाल पर आक्रमण की योजना बनाई गई, लेकिन वर्षा शुरू हो गई थी इसलिए इंफाल पर आक्रमण की योजना को टाल दिया गया। 1945 ईस्वी के प्रारंभ में जर्मनी हार गया। 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान की 2 शहरों हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिनसे डरकर जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे में आजाद हिंद फौज के 17,000 सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेताजी ने रूस जाने की तैयारी की। 18 अगस्त 1945 को वे ताइपे पहुंचे। ताइपे में भोजन करने के बाद 2:30 पर यानी कि 2:30 उनके विमान ने उड़ान भरी तो उसमें तुरंत आग लग गई। ऐसा माना जाता है कि उनका शरीर झुलस गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये एक रहस्य है आज तक बना हुआ है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के आंदोलनों का वर्णन करें, कौन कौन से आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाए। तो उसमें पहला आता है नंबर 1 पर असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा यह आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। गांधी जी का कहना था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजों को सहयोग बंद कर दें तो भारत में से ब्रिटिश शासन 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। अतः सरकार को सहयोग न करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए सभी मेडल व पुरस्कार वापस लौटा दिए। गांधी जी की देखा देखी में सैकड़ों देशभक्तों ने भी अपनी उपाधियों को छोड़ दिया। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया। जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी। विदेशी कपड़ों के स्थान पर खादी को अपनाया जाने लगा। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए, लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को जितना दबाने का प्रयास किया यह आंदोलन उतना ही जोर पकड़ता चला गया। 5 फरवरी
1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर जब जुलूस बाजार में से गुजर रहा था तो उसका पुलिस से टकराव हो गया। गुस्से में आकर जुलूस ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। इस घटना से दुखी होकर 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद एक दूसरा आंदोलन भी था, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का अर्थ सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को विनय पूर्वक या फिर आदर पूर्वक मानने से इनकार कर देना है। क्या है सविनय अवज्ञा का मतलब? का अर्थ सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को विनय पूर्वक या आदर पूर्वक मानने से इनकार कर देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया था। 21 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन, लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने वायसराय के सामने 11 मांगे रखी। इन मांगों में से सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक पर टैक्स को खत्म करने की। इन 11 मांगों में से जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो नमक पर से टैक्स को कम करने की थी। महात्मा गांधी ने अपने पत्र में लिखा था कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। लेकिन लॉर्ड इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी। साबरमती आश्रम से दांडी 240 किलोमीटर दूर था। यह यात्रा 24 दिन तक चली। इस यात्रा के दौरान गांधी जी जहां भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के शुरू होने के बाद देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में यह तय हुआ कि गांधी जी आंदोलन को वापस लेंगे और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। इसके बदले में अंग्रेजी सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी। तो ये दो शर्तें उसमें तय की गई थी। एक और जो महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी ने चलाया और वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से तंग आकर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांधी जी ने करो या मरो, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि करो या मरो का नारा कौन से उसमें दिया गया था। तो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में वकीलों, अध्यापकों, व्यापारियों, डॉक्टरों, पत्रकारों, मजदूरों, विद्यार्थियों, स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग एक सप्ताह के लिए सरकारी कामकाज पूरी तरह बंद रहा। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए शांतिपूर्ण जलूसों पर गोलियां चलाई व लाठी चार्ज किया। 1 लाख से अधिक स्त्री पुरुषों को बंदी बना लिया गया। देश में चारों ओर अराजकता और अशांति फैल गई। यद्यपि यह आंदोलन भारत में से अंग्रेजों को निकालने तथा देश को स्वतंत्र कराने में असफल रहा, लेकिन फिर भी यह आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, एक महान घटना थी। भारत में ब्रिटिश सरकार के इतिहास में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वनवासी आंदोलन किन कारणों से हुआ? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वनवासी आंदोलन किन कारणों से हुआ? तो जब अंग्रेजी सरकार ने वनवासी क्षेत्रों या आदिवासी क्षेत्रों में घुसपैठ की तो वनवासियों ने इसका विरोध किया
और अपने परंपरागत हथियारों से उनका सामना किया। इस मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा रांची जिले के एक छोटे से गांव चलकद के मुंडा थे। वनवासी आंदोलन के निम्नलिखित कारण से, किन किन कारणों से वनवासी आंदोलन हुआ, उसमें पहला है कि बिरसा मुंडा ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध थे, इसलिए ईसाई धर्म प्रचारक वनवासियों को लालच देकर ईसाई बना रहे थे। दूसरा है कि मुंडा पहले सामूहिक खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यह परंपरा खत्म कर दी थी। बिरसा चाहते थे कि मुंडा लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें। तीसरा है क्यों वनवासी आंदोलन हुआ, बिरसा अपने गौरवपूर्ण अतीत को फिर से जीवित करना चाहते थे। वे अतीत में अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, बाग लगाते थे और खेती करते थे, तो वो दोबारा ऐसा ही जिंदगी जीना चाहते थे। चौथा है कि बिरसा ब्रिटिश राज के स्थान पर फिर से मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया तथा 1899 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। शीघ्र ही यह संघर्ष रांची एवं सिंहभूमि क्षेत्र में फैल गया। उन्होंने कई स्थानों पर आक्रमण किए जिससे ब्रिटिश सरकार तमतमा गई तथा बिरसा को ढूंढने लगी। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें रांची जेल में रखा गया। बिरसा व उनके 482 साथियों पर मुकदमा चलाया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजे से जेल में ही बिरसा की मृत्यु हो गई। हालांकि अंग्रेजी सरकार ने संघर्ष को तो कुचल दिया, लेकिन बिरसा अमर हो गए। कई समाचार पत्रों ने मुंडा के पक्ष में लेख लिखे। प्रश्न नंबर 7 है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का क्या योगदान था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो कुर्बानी दी है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। 1928 में ब्रिटेन की सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा। इस आयोग का मुख्य काम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किए गए सुधारों की जांच करना था और उसके बारे में सुझाव देना था, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए भारत में यह कमीशन जहां भी गया वहीं पर इसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाकर तथा काले झंडे दिखाकर इसका स्वागत किया गया। लाहौर में इसी कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई, जिसके कारण उनको गहरी चोट लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जिस पुलिस अधिकारी ने लाठी चार्ज करवाया था उसका नाम सैंडर्स था। लालाजी की मृत्यु, लालाजी की हत्या का भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने लालाजी की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया। बाद में राजगुरु और भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। 10 जुलाई 1929 को सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा चला। इस मुकदमे में अदालत ने भगत सिंह और उसके साथियों को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम 7 बजे इन तीनों को फांसी लगा दी गई और जनता के विरोध के डर से सतलुज के किनारे इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रश्न नंबर 8 है कि कामागाटा मारू घटना क्यों हुई। कामागाटा मारू की घटना 1914 में कनाडा में घटित हुई थी। याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है, कामागाटा मारू की घटना 1914 में कनाडा में घटित हुई थी। कनाडा की सरकार ने भारतीयों के कनाडा में प्रवेश करने पर अनेक प्रकार के अनुचित प्रतिबंध लगा रखे थे। इस बात का विरोध करने के लिए सिंगापुर के एक धनी भारतीय व्यापारी बाबा गुरदत्त सिंह, सिंगापुर के एक धनी भारतीय व्यापारी बाबा गुरदत्त सिंह ने
एक जापानी जहाज कामागाटा मारू किराए पर लिया और उसमें 350 भारतीयों को बैठाकर कनाडा के लिए रवाना किया। 23 मई 1914 ईस्वी को जब यह जहाज कनाडा की बंदरगाह वैंकूवर पहुंचा तो कनाडा की सरकार ने भारतीयों को यहां उतरने की अनुमति नहीं दी। यह जहाज 2 महीने खड़ा रहा। 2 महीने के बाद भी जब अनुमति नहीं मिली तो यह जहाज भारत के लिए रवाना हो गया। जब यह जहाज कलकत्ता पहुंचा तो ब्रिटिश सरकार को इसका पता चल गया। कलकत्ता पहुंचते ही सरकार ने जबरदस्ती इन यात्रियों को ट्रेन में बैठाकर पंजाब में भेजने का प्रयास किया। जब कुछ यात्रियों ने भागकर जबरदस्ती कलकत्ता में घुसने की कोशिश की तो सरकार ने उन पर गोलियां चला दी। इस गोलाबारी में कई यात्री मारे गए। कामागाटा मारू की निर्दोष व्यक्तियों पर गोली चलाए जाने के कारण भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति गुस्सा पैदा हुआ। तो ये कामागाटा मारू वास्तव में एक जहाज था। प्रश्न नंबर 9 है कि स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी व बहिष्कार क्यों महत्वपूर्ण थी। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी व बहिष्कार क्यों महत्वपूर्ण थे। स्वदेशी का अर्थ अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करने से है, जबकि बहिष्कार का अर्थ विदेशी वस्तुओं या सामान का प्रयोग करने से मना करना है। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे क्या हुआ, किससे लोगों में अपने देश में बनी वस्तुओं के प्रति लगाव पैदा हुआ। दूसरा, लोगों द्वारा अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करने से देश के उद्योगों का विकास हुआ। तीसरा, लोगों द्वारा अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करने से विदेशी वस्तुओं की मांग काफी कम हो गई, जिससे विदेशी व्यापार को धक्का लगा। चौथा है, स्वदेशी और बहिष्कार से राष्ट्रीय एकता, जिसको हम राष्ट्रीय प्रेम कहते हैं, की भावना मजबूत हुई। और पांचवा है, स्वदेशी और बहिष्कार ने महिलाओं और छात्रों को भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और वे भी देश के लिए कुछ करने के लिए सामने आए। प्रश्न नंबर 10 है, काकोरी की घटना पर नोट लिखो। काकोरी की घटना पर नोट लिखो। 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए भारत के क्रांतिकारी संगठित होने लगे, मतलब वो इकट्ठा होने लगे, बदला लेना चाहते थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इनके नेता राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र योगेश चंद्र चैटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य थे। याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद व सुरेश चंद्र भट्टाचार्य थे। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के द्वारा भारत में से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना था, लेकिन इस संगठन को संघर्ष करने, प्रचार करने और नौजवानों को अपने दल में मिलाने, प्रशिक्षित करने और हथियार जुटाने के लिए धन की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। धन को जुटाने के लिए इस संगठन के 10 व्यक्तियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सरकारी खजाना लूटने का निर्णय लिया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इस घटना से क्रोधित होकर सरकार ने भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया। उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी व अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दे दी गई। 4 को आजीवन कारावास देकर अंडमान, या जिसको हम काला पानी कहते हैं, काले पानी भेज दिया गया और 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। तो ये काकोरी कांड था। उसके बाद है, कुका आंदोलन क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुका आंदोलन क्या था। तो नामधारी, नामधारी का मतलब है जो परमात्मा का नाम धारण करते हैं, नामधारी परमात्मा का नाम धारण करने वाले, या कुका आंदोलन वास्तव में धार्मिक सुधार आंदोलन था।
इस आंदोलन की नींव भगत जवाहर मल ने रखी थी। वे ऐसा शासन स्थापित करना चाहते थे जिसका सपना गुरु गोविंद सिंह ने देखा था। इस आंदोलन के लोग जोर जोर से कुक्के मारकर भगवान के नाम का जाप करते थे, इसलिए इनको कुका कहा जाने लगा। इस आंदोलन के लोग ईश्वर की भक्ति पर अधिक बल देते थे, इसलिए वे मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जात पात के विरुद्ध थे। बाबा राम सिंह इस आंदोलन के महान नेता थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा राम सिंह इस आंदोलन के महान नेता थे। वे एक साधारण परिवार से संबंध रखते थे। पहले वे राजा रणजीत सिंह के पोते के सैनिक थे, लेकिन बाद में नामधारी संप्रदाय के संपर्क में आने के बाद वे नामधारी बन गए और नामधारी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने लगे। बाबा राम सिंह पंजाब में से अंग्रेजी शासन को खत्म करके खालसा को पुनर्जीवित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सारे पंजाब को 22 हिस्सों में बांटा। अंग्रेजों से उनका पहला संघर्ष 1869 में फिरोजपुर में हुआ। 1872 में कुका आंदोलन मलोट, पटियाला और कोटला में भी फैल गया। इसे दबाने का कार्य लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया। उन्होंने 68 कुका आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 49 कुकों को तोप से उड़ा दिया गया तथा बाकी को अदालत में मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दिया गया। बाबा राम सिंह को गिरफ्तार करके रंगून बर्मा भेज दिया गया और वहीं पर 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। कुकाओं ने सबसे पहले स्वदेशी कपड़े, खासकर खद्दर पहनकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उसे राष्ट्रीय अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। आगे चलकर महात्मा गांधी ने इसी अस्त्र का प्रयोग आम जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए किया। प्रश्न नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गदर आंदोलन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। गदर आंदोलन पर विस्तार से, तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत से बहुत से लोग धन कमाने के लिए तथा आजीविका के साधन खोजने के लिए अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा आदि देशों में गए। इन लोगों ने अमेरिका और कनाडा में खूब धन कमाया, लेकिन भारतीय होने के कारण विदेश में भी इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इसलिए अपने देशवासियों की पीड़ा को अनुभव करते हुए इन्होंने यह निश्चय किया कि वे विदेश में रहकर ही अपने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाने का निश्चय किया। सबसे पहले 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में अमेरिका व कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने संगठित होकर हिंदुस्तानी एसोसिएशन बनाई। 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में अमेरिका व कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने संगठित होकर हिंदुस्तानी एसोसिएशन बनाई। इसे ही गदर पार्टी कहा जाता था। लाला हरदयाल, ज्वाला सिंह, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा, केसर सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला आदि इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। नवंबर 1913 में इस पार्टी ने गदर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया। नवंबर 1913 में इस पार्टी ने गदर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया जो हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू आदि कई भाषाओं में प्रकाशित होता था। इस समाचार पत्र के सिरे पर अंग्रेजी राज का दुश्मन लिखा होता था। साथ ही नवयुवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी कहा जाता था। 1914 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गदर पार्टी के नेताओं ने भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह तैयार करने के लिए शस्त्र और प्रचारक भेजे। क्रांति को सफल बनाने के लिए भारतीय सैनिकों से भी संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन समय से पहले ही अंग्रेजी सरकार को इसकी सूचना मिल गई, इसलिए विद्रोही रेजिमेंटों को तोड़ दिया गया
और विद्रोह करने वाले नेताओं को फांसी दे दी गई। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। धन्यवाद। नमस्कार।